झारखंड पर डिफोल्ड होगा करप्शन का कोर्ट, ऑपरेशन किलिंग कर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। बिहार की उस सड़क से हर दिन सैकड़ों ट्रकों का कारवां गुजरता है और हर ट्रक के साथ महज 3500 रुपए में बिक जाता है अधिकारियों का ईमान। घूस की जेब से निकलती है बेईमानी की एक पर्ची जिसका कोड होता है महालक्ष्मी, और फिर उस एक कोड के जरिए सरहद के पार भेज दिया जाता है भ्रष्टाचार का ओवरलोडेड ट्रक। जी हाँ, ये एक बेईमानी का ऐसा खेल है जिसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारियों तक का हिस्सा तय है और सालों से ये खेल बदस्तूर जारी है। लेकिन आज हम इस पूरे खेल का करेंगे पर्दाफाश। हमारी खास पेशकश में आप देख रहे हैं ऑपरेशन क्लिंकर। जी बिहार झारखंड पर डिफोल्ड होगा करप्शन का कोर्ट, ऑपरेशन क्लिंकर। और अब हम भ्रष्टाचार के कोड को डिकोड करेंगे। खबर मोतिहारी से है, जहां भारत से नेपाल के बीच वाया मोतिहारी भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। इस खेल में परिवहन विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारियों तक के शामिल होने की आशंका जाहिर की गई है। दिल थाम के देखिए जी बिहार झारखंड का बड़ा खुलासा। हम करेंगे भ्रष्टाचार का कोड डीको, जी बिहार झारखंड पर ऑपरेशन क्लिंकर लाइव। क्लिंकर लोड किए सैकड़ों की संख्या में ट्रक प्रतिदिन मोतिहारी से गुजरता हुआ नेपाल के बीरगंज जाता है और उस ट्रक के वजन से कई गुना ज्यादा यानी कि ओवरलोड होता है वो ट्रक। बावजूद इसके किसी भी अधिकारी को वो नजर नहीं आता है। सीमेंट का रॉ मटेरियल होता है क्लिंकर, जो बिहार के मुजफ्फरपुर से मोतिहारी रक्सौल होते हुए नेपाल के सीमेंट फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाता है। इन ट्रकों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन पर क्षमता से कई गुना ज्यादा क्लिंकर लदा हुआ है। लेकिन परिवहन विभाग या स्थानीय पुलिस का कोई अधिकारी रास्ते में रोकता टोकता तक नहीं। आखिर ऐसा क्यों, वो भी सुन लीजिए। ये ट्रक सैकड़ों की संख्या में होता है और ऐसा नहीं है कि वो रात के अंधेरे में चलता है बल्कि दिन के उजाले में। बावजूद इसके किसी अधिकारियों का उस पर अब तक नजर का नहीं आना, डीटीओ को भी वो अब तक नजर नहीं आना, निश्चित तौर पे सवाल खड़े करता है। अगर सूत्रों की माने तो इसे 3500 रुपया प्रत्येक ट्रक प्रति माह के हिसाब से पासिंग दिया जाता है और शायद यही वजह है कि कोई भी अधिकारी उस पर हाथ डालने से गुरेज करता है। ट्रकों पर ओवरलोडिंग के खेल में कौन कौन से लोग शामिल हैं और कैसे होती है ट्रांसपोर्टर और अधिकारियों के बीच साठ गांठ, हम आपको दिखाएंगे। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्लिंकर होता क्या है। ग्राफिक्स के जरिए ये जानकारी आपको देते हैं। सीमेंट का रॉ मटेरियल होता है क्लिंकर। सीमेंट बनाने में इसे इस्तेमाल किया जाता है। चूना, पत्थर और क्ले को मिलाने से क्लिंकर तैयार होता है। क्लिंकर और जिप्सम को मिलाने से फिर सीमेंट बन जाता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक बताया जाता है क्लिंकर, क्योंकि डस्ट पार्टिकल की तरह यह उड़ता है और ऐसे में लोगों को परेशान करता है। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी रक्सौल होते हुए ये ट्रक्स, ओवरलोडेड ट्रक्स नेपाल पहुंचते हैं। ट्रकों में तय मात्रा से ज्यादा लोड किए जाते हैं क्लिंकर। और हमारे साथ रक्सौल से दीपक अग्निरथ साहब जुड़ गए हैं, मीडिया ऑफ हार्मोनी के सचिव हैं। दीपक जी, जिस तरह से क्लिंकर लोड करके यहां से ले जाया जाता है, ओवरलोडेड इसे रखा जाता है और उसके बाद अलग अलग इलाकों से होते हुए ये नेपाल पहुंच जाता है,
कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं लोगों को इससे हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि दिन के उजाले में भी ये ट्रक्स ऐसे कैसे चले जाते हैं? देखिए, ये तो एक बड़ा सिंडिकेट है जो पूरे मैंने बिहार और नेपाल के बीच फैला हुआ है, और जब ये ट्रकें आती हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग होकर के दिन में जाती है, जबकि इसके प्रवेश की अनुमति नहीं है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि दिन में भी ट्रकों को ले जाया जाए। जब ये ट्रकें चलती है तो 25 और 50 की संख्या में होती है, और उसकी जो धूलें उड़ती है उससे काफी आबादी जो है प्रभावित होती है, क्योंकि यह रक्सौल का मेन रोड भी होता है और एनएच भी होता है, तो दोनों से लाखों की आबादी जो है प्रभावित हो रही है, स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं हो रही है, पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, और तमाम विडंबनाओं संसद में आवाज उठने के बावजूद अब तक जो है यहाँ रेलवे में रक्सौल में क्लिंकर उपस्थित थी लेकिन वहाँ फिलहाल बंद किया गया है, तो अब रोड से भी जा रही है नेपाल और यहाँ काफी परेशानी बनी हुई है। सर, ये देखा गया है कि ये जो इस बेल्ट के लोग हैं ये पहले ही इस बात को लेकर अपनी आवाज उठा चुके हैं, विरोध कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये खेल जा रही है, क्या लगता है अधिकारी इसमें मिले हुए? बिल्कुल बिल्कुल, अब ये जो है हमारे यहाँ रक्सौल के एनएच के पास में एक हरदिया जगह है, वहाँ अवैध भंडारण किया जा रहा है, नेपाली स्टेशन क्षेत्र में जो है रेलवे के पटे वहाँ अवैध भंडारण किया जा रहा है, पहले से वहाँ कोयला जिप्सम वगैरह उतरता रहा है, क्लिंकर के लेकर के जो आवाज उठी, यहाँ आंदोलन हुआ रक्सौल में, संसद में आवाज उठी है, और उसके बाद रक्सौल में पिछले 22 दिसंबर को क्लिंकर का यहाँ धुलाई बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सड़क मार्ग से यहाँ क्लिंकर आ रही है और इसके खिलाफ भी आवाज उठ चुकी है, यहाँ आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन इस आवाज को दबाया जा रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ये मानते हैं आप कि इसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रेट तय किया गया है हर एक ट्रक का, जो ओवरलोडेड ट्रक होता है जब वो गुजरता है तो उसे 3500 रुपए माफ कीजिएगा वसूले जाते हैं और एक कोड दे दिया जाता है। जी जी, बात सही है, और निश्चित रूप से जब प्रशासन के द्वारा अलाउ नहीं है कि दिन में इन ट्रकों को ले जाया जाए, प्रदूषण मानक का पालन हो रहा है, अगर जांच होती तो ये क्लिंकर जो है सड़कों पर धूल उड़ाती है, नेपाल नहीं जाती। निश्चित तौर पर ये बड़ा मिलीभगत का मामला है। बिल्कुल, ये बड़ी मिलीभगत का मामला है, और जी बिहार झारखंड ये खबर सबसे पहले आपके सामने लाए, उम्मीद करेंगे हमारी खबर देखकर कार्रवाई कहीं ना कहीं हो। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अरुण कुमार साहब जुड़ गए हैं, टेक्सटाइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, उनसे समझते हैं। सर, क्या कमी रह गई, क्या प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को नोटिस में नहीं ले रहे हैं, या कहां लापरवाही हुई है जो इस तरह से क्लिंकर नेपाल तक चला जा रहा है? सर, सबसे पहले मैडम तो ये क्लिंकर की समस्या उठाने के लिए सर्वप्रथम जी मीडिया समूह को बहुत बहुत बधाई। ये क्या है कि मतलब ये क्लिंकर की जो आम जन यहाँ रक्सौल की और नेपाल की काफी समस्या से जूझ रहा है और इस पर प्रशासन की पूरी चुप्पी छाई हुई है, और इसे ये ओवरलोड की जो आती है, इसे ओवरलोड की जो ट्रक की जो आ रही है यहाँ पर, इससे क्या हो रही है कि पूरी प्रशासन तंत्र इसमें मिली भगत है, और इसे राजस्व की भी काफी क्षति हो रही है, रक्सौल के व्यापार का भी जरूरत से ज्यादा इसमें नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, तो राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। अरुण जी, क्या ये मुद्दा बार बार आप लोगों ने उठाया, सामने रखा, उसके बाद भी प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा? कोई प्रशासन इस पर कोई सुनवाई नहीं करी, इस मुद्दे पर कई बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी हो चुकी हुई है। आज ही ओवरलोडिंग ट्रक के चलते रक्सौल की सड़क पूरी जर्जर हो चुकी हुई है, जिससे कई बार दुर्घटना घटी, कितनी जनमान की क्षति हो चुकी है, मगर इस पर कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं हो रही है। व्यापारी आम जन बहुत त्रस्त हो चुके हुए हैं। बिल्कुल, आम जन त्रस्त है, परेशान है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी क्लिंकर के चलते होती है। बहुत शुक्रिया अरुण जी जुड़ने के लिए, जी बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए, और पंकज हमारे सहयोगी जिन्होंने ये पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है वो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आपने काफी करीब से देखा है इन इलाकों को, यहां के लोग परेशान है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है, आवाज कई बार उठा चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी कान बंद करके क्यों बैठे हुए? जी बिल्कुल, इसके पीछे अगर हम लोग बात करें तो आखिर अधिकारी के आंख क्यों बंद हैं, अधिकारी क्यों इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे? जाहिर सी बात है, इसके पीछे छुपे हुए फायदा, उनका निजी फायदा या फिर पहले घुसखोरी का अर्थव्यवस्था, जिस वजह से अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने जब इस मामले में डीटीओ से बात किया तो डीटीओ तो एकदम हमारे सवाल पे अचानक से चौंक गए, ऐसा बात करने लगे जैसे क्लिंकर क्या होता उन्हें पता ही नहीं, ओवरलोडिंग क्या होता है कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब हमने जब पैसों की गर्मी पहुंचती है पंकज, तो क्लिंकर क्या होता है लोग भूल जाते हैं, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल,
बिल्कुल, और जब हमारी इस मामले में डीटीओ से बात हुई, स्थानीय लोगों से बात हुई, और जो पिछले कई दिनों से ये खबर को करने के दौरान मैं सड़कों पर खड़ा रहा था, शौक के लोगों से मिला, और जहां इनका शौक होता था वहां तक मैं पहुंचा, सभी लोग इस बात को मान रहे थे कि 3500 रुपया प्रति ट्रक देते हैं हम लोग परिवहन विभाग को देते हैं, उसके बाद हमें कोर्ट मिलता है महालक्ष्मी कोर्ट, और उस महालक्ष्मी कोर्ट के हिसाब के आधार से कोर्ट से हम लोग पासिंग मिलता है और कोई अधिकारी हमें नहीं रोकता है। यही वजह है कि हम दिन के उजाले में भी ट्रक लेकर के आराम से जाते हैं। हालांकि अगर हम लोग बात करें इससे हानि, तो इससे राजस्व की भी काफी क्षति हो रही है। अगर यही ट्रक दो बार में माल लेके जाता तो कस्टम के पास ये दो बार इनका पैसा देना होता, राजस्व मिलता सरकार को, लेकिन ये एक बार में ही लेके ज्यादा मात्रा में टिकर लेके जाते हैं। दूसरी तरफ ओवरलोडिंग होने की वजह से जर्जर हो जाता है सड़क, सड़क पे ज्यादा वजन पड़ता है और सड़क हमेशा रक्सौल जाने वाला ट्रक हमेशा इस वजह से भी जर्जर बना हुआ है। जी जैसा कि आप बता रहे हैं पंकज, डीटीओ ने साफ तौर पर इनकार किया ऐसी जानकारी होने से, लेकिन ये कैसे संभव है इसको लेकर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां से ये ट्रक नेपाल जाता है, कई जिलों से होते हुए जाता है, लोग लंबे समय से परेशान हैं, शिकायत कर रहे हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई मामले में नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया पंकज जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। और चलिए बताते हैं आपको ओवरलोड ट्रकों को नेपाल भेजने के खेल में कौन कौन शामिल है और पूरा खेल होता कैसे है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या परिवहन विभाग के अधिकारी लेते हैं रिश्वत? रिश्वत लेकर राजस्व को चूना लगाते हैं अधिकारी। कागजात के साथ हेर फेर करता है विभाग। पुलिस और परिवहन अधिकारी की है मिली भगत। ओवरलोड ट्रकों को कोई रास्ते में क्यों नहीं रोकता? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमारी पड़ताल में पता चला कि 12 चक्का ट्रक पर 55 टन क्लिंकर लदा हुआ है। ट्रक ड्राइवर के पास 55 टन के कागजात भी हैं, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन होशियारी देखिए, कई ट्रकों के चालान में वजन की जगह को खाली छोड़ दिया गया है ताकि रास्ते में पकड़े जाने पर लेन देन कर मैनेज किया जा सके। क्लिंकर लोड पहले मैंने मुजफ्फरपुर से नारायणपुर से हमने आवा था नहीं सर, मतलब टक्सल के भरले बानी सर वीरगंज के, तो रोड भी बहुत खराब बटे ही, और हमने के मतलब 6 दिन लाग चुकल बा यहाँ तक ले ढाला तक ले, और इतना जाम हो गल बा, रोड भी इतना खराब बा, कुछ तो है नहीं। अब सवाल है कि नियम से ज्यादा माल लेकर ट्रक कैसे बेरोक टोक मोतिहारी से नेपाल पहुंच जाता है? इस खेल का एक कोड है महालक्ष्मी। इस कोड को हासिल करने के लिए हर ट्रक को प्रतिमाह 3500 रुपए का चढ़ावा चढ़ाना होता है। ओवरलोडिंग और चढ़ावे के सवाल पर मोतिहारी के डीटीओ नपातुला जवाब देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, हम एकदम आपका जो कैमरा है, जो आपके लोग हैं उनके साथ जाकर हम पकड़ते हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर कोई इस तरह की बात है और इस तरह के लोग अगर चलते हैं तो उनको जरूर पकड़ा जाना चाहिए, और हम लोग न केवल सभी थानों को भी हम लोग इस काम में लगाए हुए हैं काली वाहन चेकिंग अभियान में, और आपकी जानकारी में कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई है कि कोई गाड़ी वाले चलते हैं और नेपाल यहाँ से जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र का एक बहुत बड़ा नुकसान है और हम लोग उसको जरूर पकड़ेंगे। डीटीओ के दावे को यहाँ के स्थानीय लोग सीधे खारिज कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत के ओवरलोडिंग का खेल संभव ही नहीं है। मुझे लगता है कि यह प्रशासनिक अक्षमता के साथ साथ उनकी मिली भगत है। उन ट्रकों से एक मोटे माल असूले जाते हैं जिसके कारण वे ट्रके निधड़क बेधड़क और नेपाल की सीमा में वो प्रवेश कर जाते हैं, और सड़कें जर्जर तो है ही और बुरी स्थिति में होती जा रही हैं सड़कें, और आम जनता को कष्ट पहुंचा रही हैं। अगर कागजों में हेर फेर कर क्षमता से ज्यादा सामान ट्रकों में ढोया जा रहा है तो ये परिवहन के नियमों का
खुलेआम उल्लंघन है। साथ ही इससे राज्य सरकार को हर महीने करोड़ों के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जी बिहार झारखंड के इस खुलासे पर सरकार और प्रशासन की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। तो देखा आपने ऑपरेशन क्लिंकर के जरिए यह बड़ा खुलासा हुआ है कि अधिकारियों की मिलीभगत से राजस्व को भी सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है और लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अब क्या है ऑपरेशन क्लिंकर, ये भी आपको बता दें। बिहार के रास्ते नेपाल की फैक्ट्रियों में होती है क्लिंकर की सप्लाई। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी रक्सौल होते हुए नेपाल पहुंचते हैं ट्रक, और ट्रकों में खास बात यह है कि जितनी तय मात्रा होती है उससे ज्यादा क्लिंकर लोड किया जाता है, ओवरलोडिंग की जाती है और इसके पीछे अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत बताई जा रही है। क्लिंकर की वजह से लोगों की सेहत पर बुरा असर भी पड़ रहा है। उम्मीद करेंगे कि हमारे खुलासे के बाद मामले में कार्रवाई जरूर हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे दरभंगा की, जहां पर पीएम मोदी के समर्थक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि बीजेपी समर्थक कमल देव यादव ने अपने इलाके में एक चौक का नाम मोदी चौक रखा था, जिस पर कई महीनों से विवाद भी चल रहा था। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। पीएम की फोटो लगाने की इतनी बड़ी कीमत, बीजेपी समर्थक की हत्या से इलाके में सनसनी। दरभंगा में सुशासन को अपराधियों की चुनौती, क्या जानलेवा हो रही है बिहार की राजनीति? देश भर के चुनावों में भले ही पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी लगातार जीत रही हो, भले ही देश और दुनिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा हो, लेकिन बिहार के दरभंगा में एक परिवार को पीएम मोदी के समर्थन की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी है। जी हां, दरभंगा के सदर थाना इलाके के बाबू भदवा गांव में राजनीति की आड़ में कुछ अपराधियों ने कानून का मजाक उड़ाया है, सुशासन को सरेआम चुनौती दी है। ये नरेंद्र मोदी चौक राजद के गढ़ में हम लोग जो खोल दिए ना सर, ये इनको जितने भी राजद के हमारे गाँव निवासी है ना, हिंदू का गाँव, वो सब जो है ना हम लोग पे हाथ धोके पीछे पड़े हैं, क्योंकि चौक खोलते साल 6 महीना होते एक और मेरे से बड़े भाई थे, उनको भी ऐसे हत्या कर दिया गया। पीड़ित परिवार वालों के मुताबिक उन्होंने बाबू भदवा गांव में एक चौक का नाम नरेंद्र मोदी रखा और गांव में इसी बात को लेकर कई बार विवाद हुआ, मारपीट भी हुई। पीड़ित परिवार वालों के मुताबिक उपचुनाव के नतीजे के एक दिन बाद 40-50 लोग चौक पर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। उसी रात कमल देव यादव के घर हमला किया गया, इसमें उनके पिता की हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में बीजेपी समर्थकों ने शहर के कर्पूरी चौक को जाम भी किया। इस चौक की स्थापना होने से कुछ वहां के लोग हैं जो खास करके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनको इससे भारी चीड़ है, और आए दिन वहाँ तेज नारायण यादव से झड़प होते रहता है। इससे पहले भी घटना हुई है, और कल जब रिजल्ट के बाद ये कुछ लोग गाली दे रहे थे मोदी को, इसी पर जो है झड़प हुआ लोगों को, और वहाँ से कुछ लोग अल्पसंख्यक समाज के लोग बुलाए और वहाँ पर जो उनके भाई पिताजी अपने थे तो उसको तलवार से जो है उसको हत्या कर दिया गया। ये निश्चित रूप से बड़ा खेद की बात है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, तो एडीजी ने भी मामले में जल्द कार्रवाई करने की बात की। जो घटना हुई थी उसके बाद तत्काल पुलिस पहुंची थी, वहां मामला बयान लिया गया था, कुछ लोगों को नामजद किया गया था, जिन सभी की गिरफ्तारी रात में ही पुलिस के द्वारा की गई। सभी साक्षियों का बयान का ऑडियो वीडियो भी लिया गया था। फिर उनके एक भाई हैं जिनका कुछ अलग टाइप का फर्ज बयान आया, उस पर
पर भी पुलिस उनका बयान लेकर के उसके पर भी कार्रवाई कर रही है। रामचंद्र यादव है, उनकी हत्या हुई है, उनके बेटा घायल है और जो FIR दर्ज हुआ है उस FIR में 3 लोगों को संदिग्ध बनाया गया है क्योंकि पूर्व से जमीन विवाद चल रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 जो संदिग्ध हैं उनको डिटेन कर लिया है। एक तरफ घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या लोकतांत्रिक देश में PM की फोटो लगाना और उनका समर्थक होना इतना बड़ा गुनाह है जिसकी कीमत एक परिवार को जान देकर चुकानी पड़ रही है। मुकेश, जी मीडिया, दरभंगा। दरभंगा में PM मोदी के समर्थक की हत्या के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। RJD ने राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं जबकि BJP का दावा है कि दोषी जल्द गिरफ्तार होंगे। और मैंने दरभंगा SSP को कहा है कि इस घटना में जो दोषी है उसकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और पुलिस तहकीकात कर रही है, जहां जहां शक के और संदेह के घेरे में जो व्यक्ति है उसे वो बातचीत कर रहे हैं। सुशासन कहां गया? खुलेआम BJP के कार्यकर्ताओं का हत्या हो रहा है, RJD के कार्यकर्ताओं का हत्या हो रहा है। पूरे बिहार में सुशासन नाम का चीज है नहीं। सुशासन सुस्त है और क्रिमिनल लोग और अपराधी लोग मस्त है। रात जो है सुबह आए और कहे कि मतलब प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ अपशब्द बोले, इसको हटाओ। उसी में जो है वो उसकी जो उसने जो बताया कि उसमें जो है उसके पिताजी की तेज हथियार से हत्या कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज्ञान भवन स्थित अशोक कन्वेंशन केंद्र में 3 दिवसीय 6 आयुर्वेद पर्व का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन के अध्यक्ष से राष्ट्रीय पर्व के चेयरपर्सन और पद्म भूषण से सम्मानित वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा और वैद्य धनंजय शर्मा ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र और पुष्प गुच्छ के साथ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक स्मारिका का भी विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर जगन्नाथ त्रिपाठी, वैद्य इंदु मिश्रा, वैद्य यशवंत सिंह के साथ कई लोगों को आयुर्वेद के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर धनवंतरी सम्मान से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल होने पर खुशी भी जाहिर की, साथ ही कहा कि बिहार में 6 आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है जिससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।